Hello guys, welcome back to my YouTube channel and in this video you will learn about CSS box model. तो सबसे पहले मैं बताता हूँ ये जो बीच का टेक्स्ट कंटेंट लिखा हुआ है मैंने इसको कंटेंट एरिया बोलते हैं और कंटेंट के बाहर की जो स्पेस होती है येलो कलर से दी हुई है मैंने इसको बोलते हैं पैडिंग और पैडिंग के बाहर का जो ये ब्लैक कलर का स्पेस है ये होता है बॉर्डर और बॉर्डर के बाहर की जो स्पेस होती है ये होती है मार्जिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ में। मैंने एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बना करके रखा हुआ है, मैं इसमें आपको इसका डेमो करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बॉडी के अंदर मैंने एक डिव एलिमेंट लिया हुआ है, इसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कराया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसको ब्राउज़र में इसका डिस्प्ले करा के दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह से आएगा। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी कुछ विड्थ सेट कर देता हूँ, इस एलिमेंट की कुछ विड्थ सेट कर देता हूँ। तो मैं इसमें इंटरनल स्टाइल शीट यूज़ करूँगा, मैंने यहाँ पे डिव सेलेक्टर लिया और जो इस एलिमेंट की विड्थ रहेगी वो मैं सेट कर देता हूँ 400px। अब मैं इसको व्यू करता हूँ ब्राउज़र पे, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आ गया। अब ये वाला जो है ये मैंने डिव के बाहर रखा हुआ इसलिए अलग पार्ट हो जाएगा, ये जो है टोटल ये एलिमेंट की विड्थ हो जाएगी। अब इसके बाद में मैं क्या करता हूँ कि मैं इसकी कुछ एक बॉर्डर सेट कर देता हूँ, इस एलिमेंट जो डिव है इसका मैं बॉर्डर सेट कर देता हूँ 20px सॉलिड रेड। मैं बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ और वही मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को यूज़ करने के लिए। तो अब देखिए इसका जो बॉर्डर है वो 20px इसकी विड्थ हो जाएगी और जो स्टाइल है इसका वो हो जाएगा सॉलिड। तो उसके बाद में आ जाता है पार्ट पैडिंग का। पैडिंग के लिए क्या होता है, आप मैं इसको 20px सेट कर देता हूँ पैडिंग। तो ये देखिए जो ये कंटेंट है इसके बाहर की जो स्पेसिंग हो गई ये हो गई पैडिंग। इसके बाद में मैं इसका सेट करता हूँ मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, जो बॉर्डर के बाहर का एरिया होता है उसको मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन मैं इसकी सेट कर देता हूँ 40px। अब इसको रिलोड करो आप, तो ये देखो ये जो बाहर का स्पेस है ये बढ़ गया है, ये वाली जो स्पेस होगी ये हो जाएगी 50px। तो इस तरीके से हो गया हमारा बॉर्डर विड्थ पैडिंग एंड मार्जिन। ये जो विड्थ सेट करते हो आप यहाँ से बेसिकली विड्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करके, तो ये जो एलिमेंट होती है इसकी इसका जो कंटेंट एरिया होता है उसकी विड्थ सेट करनी होती है यहाँ से। अगर इस एलिमेंट की कंप्लीट विड्थ आपको निकालनी तो उसके लिए क्या होता है, जो टोटल विड्थ इसकी होती है इसके लिए आपको जो एलिमेंट की विड्थ आप विड्थ प्रॉपर्टी सेट करते हो उसको प्लस मार्जिन लेफ्ट आपको ऐड करना होगा और मार्जिन राइट, मतलब ये जो ये वाला मार्जिन होगा ये और प्लस इसके जो राइट वाला मार्जिन होगा वो ऐड करना होगा, साथ में जो बॉर्डर लेफ्ट मतलब ये वाला जो बॉर्डर होगा वो और इसकी जो विड्थ होगी ये, इन दोनों को ऐड करना होगा प्लस जो पैडिंग लेफ्ट होगा ये स्पेस और ये स्पेस इसको ऐड करना होगा और फाइनली आपको जो टोटल कंटेंट की विड्थ है इसको ऐड करनी होगी। तो ये हमारी एलिमेंट की टोटल विड्थ निकल करके आती है। तो ये होता है हमारा CSS बॉक्स मॉडल। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए और अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो और प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।